वहाँ पे, और हमने सोचा यहीं पे मंदिर बनाया जाए। तो दोस्तों अभी यह शाम का समय और मैं जा रहा हूँ अपने गांव के भोलेनाथ के मंदिर में, तो चलते हैं। और आज का सावन का महीना है तो गांव में जो है कीर्तन भजन हो रहा है, हर कोई अपने घर पे करवाता है। तो यहाँ ऊपर जाना है हमने इस जंगल में, तो यहाँ देख सकते हो। और ये जो भोलेनाथ की मंदिर है हमने ही बनाई थी, जब हम छोटे थे तो हमने गांव में बनाई थी, बट गांव वालों की ज़मीन थी तो किसी ने मना कर दिया था कि यहाँ से हटा दो, तो हमने सीधा ऊपर इस जंगल में लेके गए हैं। तो मैं दिखाता हूँ यार कहाँ हमने भोलेनाथ की जो स्थापना की थी, उस टाइम पर बचपन में काफ़ी शौक़ था, तो चलते हैं। और सोचा था कि आने वाले टाइम में ऊपर मंदिर बनाएंगे, तो वो जब कामयाब होंगे तभी देखेंगे। फिलहाल अभी जाते हैं ऊपर मंदिर में, देखते हैं वहाँ क्या कुछ रह रखा है। हमने लिंग रखी थी वहाँ, शिवलिंग रखी थी, तो उससे क्या हाल हो रखे हैं वो दिखाते हैं आपको। त्रिशूल त्रिशूल तो लकड़ी की थी, वो तो मिट गए होंगे, मतलब क्या ख़राब हो गए होंगे, सब सड़ गई होंगी। तो चलते हैं सीधा ऊपर, दिखाते हैं यार आपको। बाकी ये देख दो यार, इस जंगल में जाना, अब शाम का टाइम है, बाघ का भी खतरा है, वो काफ़ी रिस्क है। तो चलते हैं यार, आप लोगों को दिखाते हैं। काफ़ी टाइम से नहीं गया, मेरे को लगा लो 6-7 महीने तो हो गए होंगे, पहले तो 1 साल। तो अभी मैं आधे रास्ते में पहुंचा हूं और गर्मी का समय है तो काफ़ी पसीना आ रही है यार, वैसे भी हवा नहीं चल रही है, तो आधे रास्ते तक पहुंच गया हूं। अब जाते हैं ऊपर, हालत ख़राब हो रही है यार, भले ही 1 किलोमीटर भी ऊपर नहीं जाना है बट खड़ी चढ़ाई पे जाना है तो काफ़ी पसीना आ रहा है गर्मियों के टाइम पर, और इस टाइम पर यार हवा भी नहीं चल रही। चलते हैं यार ऊपर, दिखाते हैं आपको क्या सीन है, मैं भी काफ़ी टाइम से नहीं गया हूँ वहाँ, तो चलते हैं। फिलहाल आप ये देख लो यार, यहाँ आते थे हम सीधा, एक टाइम पे हमने यहाँ पूजा भी की थी, जिसको पूजा ही बोलते हैं गांव में, वो भी किया था यहाँ। यहाँ देखो यार कितने घने जंगलों में ऊपर जाना पड़ रहा है, ये देखो यहाँ पे देख सकते हो यार कैसा रास्ता है, देखो एक पांव रखने के लिए केवल रास्ता है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो केवल एक पैर की जगह है, दूसरा आदमी आ भी नहीं सकता यहाँ पे, ये देखो इतनी ऊपर जाना पड़ रहा है। अब थोड़ा सा ही रह रखा है बट हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ यार। चलते हैं यार ऊपर भी मिलते हैं आपको। तो चलो फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं मंदिर में, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बनाए थे हमने मंदिर बचपन में, तो यहाँ ऊपर भी देख सकते हो यार कितना बड़ा पत्थर है ये, यहाँ से ले कर सीधा ऊपर तक। और अभी अंदर से दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर देखो ये देखो, शिवलिंग भी रखी हुई है, और ये देखो त्रिशूल भी अभी वैसा का वैसा ही है। यहाँ पे हमने इसलिए बनाया था क्योंकि यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, अंदर जो है आपको लिंग टाइप में दिखेगी, मैं थोड़ा ऑन कर देता हूँ, ये देखो ये लिंग हमको दिखी थी यहाँ पे, तो हमने सोचा यहीं पे मंदिर बनाया जाए। तो यहाँ पर देखो ये है कुछ यहाँ का व्यू, तो ये देख सकते हो यार यहाँ पे है मंदिर, और यहाँ पे हमने पूजा भी की थी बहुत पहले, अब यहाँ आना जाना नहीं होता है, आने वाले टाइम में जब बड़े होंगे तो तब शायद यहाँ पे मंदिर बनाएंगे, मंदिर शायद नहीं, अगर कामयाब हो गए तो मंदिर पक्का बनेगी, क्योंकि हमने भोलेनाथ से वादा कर रखा है और वादा तोड़ा नहीं जाता। तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, और पसीना देखो यार काफ़ी आ चुकी है, काफ़ी ऊपर आया हूँ गाँव से, थोड़ा यहाँ पर बैठते हैं यार। यहाँ पे मंदिर है, वहाँ के आप सामने का व्यू देख सकते हो, ये पहाड़ है, और यहाँ पे भी देखो यार कितना बड़ा पत्थर है यहाँ पे। कुछ ऐसे जंगल के बीच में हमने भोलेनाथ की स्थापना की थी, क्योंकि भोलेनाथ जो है पहाड़ों पे रहते हैं, जैसे कैलाश हो गया और केदारनाथ हो गया, तो वहाँ जाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके भोलेनाथ के दर्शन होते हैं, तो कुछ ऐसा ही सोच के हमने यहाँ ऊपर भी रखा था भोलेनाथ की मंदिर। तो दोस्तों अभी चलते हैं यहाँ से घर, उसके बाद मिलते हैं आपको घर में, क्योंकि यहाँ बैठने का मन भी है, यहाँ से घर जाने का मन भी नहीं हो रहा, बट जाना तो है ही इस शांत वादियों में, और अभी जो है गर्मी भी नहीं हो रही है, काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका है इस टाइम पे, और आज जो है धूप नहीं लगी हुई थी, जो है बादल लगे हुए थे, मतलब कोहरा ही लगा हुआ था खाली। तो चलते हैं यहाँ से घर, उसके बाद मिलते हैं आपको।
दोस्तों निकल रहा हूँ अब मैं घर की ओर, तो चलते हैं यार। सीधा रात ही पड़ चुकी है तो इसमें जो है जंगली जानवरों का काफ़ी खतरा होता है, तो अभी जा रहा हूँ मैं सीधा घर की ओर। तो यहाँ देख सकते हो ऐसे रास्ते हैं और नीचे पे हमारा गांव, बट यहाँ जो है काफ़ी खड़ी चढ़ाई है तो काफ़ी हालत ख़राब होती है। अब नीचे रोड में आपको मिलता हूँ, तो चलो। सो दोस्तों फाइनली पहुँच चुका हूँ यार अपने गाँव की रोड में, तो यहाँ पर देख सकते हो यार आप, और ये रहा हमारा गाँव मैदनपुर। तो चलते हैं यार अभी घर, क्योंकि रात पड़ने वाली है अब।